सरकार ने तो दिया है जी, बेकायदे मारा घर फोन कर करके बुलाया जी हमें सरकार ने, तो फोन कर करके बुलाया? हाँ बिल्कुल जी, गल देना फोन करके ना बुलाया जी हमें। अच्छा, निबला खट्टर की रैली है, अमित शाह आएंगे और उसमें रैली में आपने जाना जाना पड़ा, जाना जाना पड़ा। और रैली वाले सक्सेस करने के लिए, ताकि जो रैली में कुर्सी है बड़ी दिखे, कर्मचारियों ने बुलाया जान लग गया है, तो एक्सपोज हो गई है बीजेपी सरकार। और बीजेपी की जो आज हुआ रैली थी अमित शाह वहाँ पर आए थे, वह एक्सपोज हो गई है भाई, कर्मचारियों ने एक्सपोज कर दी। और इनका गला क्या मनी है, इन तक किट दे गई थी ओडा, और वह भी नुकाय प्रचार करने के लिए कुछ था दिया था, और हरियाणा रोडवेज बसाड़ा था, वह सारी की सारी किट वह ले गया भाई, ऐसे कर्मचारी कहने लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबने जो पता है, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी, आज 2 तारीख है और करनाल के अंदर है मुख्यमंत्री, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब जी द्वारा एक रैली करी गई थी, जिसमें अमित शाह जी हमारे आए थे, गृह मंत्री आए थे, जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर है, जो रैली को सक्सेस करने के लिए जो कर्मचारियों को बुलाया गया था, तो वहाँ से एक अलग से एक मामला निकल कर सामने आया। वे कर्मचारी हैं जो गए थे और वे बहुत ज़्यादा गुस्सा में है भाई, क्यों गुस्सा में है, ऐसा क्या हो गया, इनका गला के नहीं, तो तमाम जो कर्मचारी है उनका बात कराएं यहाँ पे। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम ताऊ अपना? राजपाल। कौन किस डिपार्टमेंट में कर्मचारी हो आप? पब्लिक हेल्थ में जी। अच्छा, कहते गुस्सा हो रहे हो, क्या बात हो गई? बात तो जी सामान दिया था जी गवर्नमेंट ने जी, ले खाने पीने का जी, और मैं ले टी शर्ट यार, ये पेन कापी बैग। अच्छा, इन्होंने ड्राइवर ने रख लिया जी वो। मतलब आप रैली में गए, वहाँ पर सभी कर्मचारियों को किटे दी गई थी? हाँ जी, सामान था उनमें। हाँ जी। अच्छा, तो मैं जो बस वाले जो बस का ड्राइवर ना सरकारी थी, हरियाणा रोडवेज की बस, उसने ले ली ले। के बोले हो? ओ नहीं बोला, मेरे हमने मारते दिया बोला कि ना, क्या थोड़ा आगे न ले गया, डर हो गए, अगर झूठ बोल लो सारे। ड्राइवर ने कंडक्टर ने यह बात कही है, नहीं बोले ये सामान मारे थे दिया जी। अच्छा, तरता गुंदे यार, नहीं बोले तारा कोई रोल नहीं इसमें, मिला तारा नाम नहीं। अच्छा, औरा तो हम राजी कर दिए, उरा गई ले राजी के मारते दिया कोने जी, राजी तो सरकार ने तो दिया था। सरकार ने तो दिया है जी, बेकायदा मारा घर फोन कर करके ने बुलाया जी हमें सरकार ने, तो फोन कर करके बुलाया? हाँ बिल्कुल जी, पब्लिक हेल्थ आया था, क्या किया था? पब्लिक हेल्थ ने फोन करके ने बुलाया जी हमें। अच्छा, निबला खट्टर की रैली है, अमित शाह आएंगे और उसमें रैली में आपने जाना जाना पड़ा, जाना जाना पड़ा। अच्छा, फिर बस वाले के बोले? बस वाले ने तो जी मैं आपने बताई दी जी यह बात कही है, सामान दे दे को नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हरियाणा रोडवेज। हाँ जी ठीक है। तो भाई एक बड़ी बात निकल के सामने आई है, जो बात आपने कल कही थी नहीं है, हरियाणा डेली पोस्ट है, झूठी चीज तो दिखाई नहीं करता, अपने एनालाइज किया था और जो कल समीकरण आपने देखा था वे जी न्यूज वाले के द्वारा जो प्रेस नोट था वो जारी किया गया था, और आपने एक वीडियो बनाई थी कि रैली सक्सेस, एक मिनट जाता हूँ, रैली सक्सेस करने के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया वहां पर, मतलब जनता तो है नहीं जुड़ रही, जनता ने बायो कार्ड कर दिया बीजेपी का, और बीजेपी ने खट्टर साहब ने अमित शाह को वहां पर रैली में आज बुलाया था 2 तारीख ने करनाल में, तो वह रैली भी सक्सेस करनी थी, अमित शाह को भी खुश करना था, जनता आवे को नहीं, जनता नहीं आवे फिर कुकर लिया ही जावे, तो डिपू वाले उन तक कह गया, और जो HKRN वाले है, मतलब हरियाणा कौशल रोजगार वाले है, उन तक कह गया हमने भी बड़ा पहुंचना है, सच वह कैलम ने दिखाया था भैया इन चीजा, आज तो भाई लोग कहने भी लग रहे, कर्मचारी कहने लग रहे हैं, यानी बीजेपी का जो जनाधार है हरियाणा के अंदर वो गिरता दिखाई देने लग रहा है, और रैलियां ने सक्सेस करने के लिए, ताकि जो रैली में कुर्सी है बड़ी दिखे, कर्मचारियों ने बुलाया जाने लग रहा है, तो एक्सपोज हो गई है बीजेपी सरकार। और बीजेपी की जो आज हुआ रैली थी अमित शाह वहां पर आए थे, वह एक्सपोज हो गई है भाई, कर्मचारियों ने एक्सपोज कर दी। और इनका गला क्या मनी है, इन तक किट दे गई थी ओडा, और वह भी नुकाय प्रचार करने के लिए कुछ था दिया था, और हरियाणा रोडवेज बसाड़ा था, वह सारी की सारी किट वह ले गया भाई, ऐसे कर्मचारी कहने लग रहे हैं, भाई किट तो इन तक दे दी है, और वो हरियाणा रोडवेज वाला बसाड़ा है वह भाई, मामने फेसबुक पर है, लाइव चलाई थी अभी जस्ट, उसमें देख लियो आप, हरियाणा डेली पोस्ट के नाम से अपना पेज है फेसबुक पर, उस पर देख लियो, हरियाणा रोडवेज वाला इनकी किटा ले गया, वो लुका तो मारी है, ये लुका मारी है, और सरकार ले दे थी इनते, भाई आए हैं कर्मचारी सक्सेस रैली करने के लिए,
तो इनके किट दे दी बेचारे था, लेकिन इनकी में किट भी खोस नहीं पाए। तो आप देख सको बीजेपी की हालत के इस टाइम। खट्टर साहब जी है ना, जो हमारे सीएम माननीय हमारे जो हरियाणा प्रदेश के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने आज एक रैली करी थी। मैं फिर बता दूँ, आज 2 तारीख है, वीडियो आप देख शायद कल देखोगे जब भी देखोगे, तो 2 तारीख का आज मतलब रैली था वहाँ पर। जो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री है, माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री है जो हमारे भारत के, वो रैली में आए थे और रैली को सक्सेस करने के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया था। भाई यह बीजेपी कर रही है। अरे एक और बात बता दूं मैं, ये बीजेपी ने क्या किया है, आपने सोशल मीडिया पे शायद नहीं देखा होगा, लेकिन है सोशल मीडिया पे, जहाँ जहाँ बीजेपी ने काम करके जैसी जैसी उन्होंने योजना चला रखी है उनको दिखाना है। और किन्ने दिखाना है, जो अपने छुट्टी आवा है फौजी, जो इंडियन आर्मी के जो हमारे नौजवान साथी हैं वे छुट्टी आवा है, वे आवेंगे सेल्फी खींचेंगे दिखावेंगे प्रचार करेंगे, मतलब राजनीतिक प्रचार करने के लिए बीजेपी ने इंडियन आर्मी को भी है जो यूज कर दिया। भाई कथित तौर पर यह बात चल रही है, पुष्टि नहीं है, कथित तौर पर बात चल रही है सोशल मीडिया में, हमने देखी थी ये चीज़ें, इस पर डिबेट भी चलने लग रही थी कि राजनीति का, बीजेपी की राजनीति का प्रचार करने के लिए, उनको कामों का प्रचार करने के लिए बीजेपी सरकार ने इंडियन आर्मी को भी जो छुट्टी आएगा वो प्रचार कराएगा, सेल्फी खींचा, कुछ डेस्टिनेशन ऐसी जगह बना दी गई हैं। तो ये सब चल रहा है भाई, वीडियो ने शेयर जरूर करियो भाई, और जो हमारा हरियाणा डेली पोस्ट अगर इसे यूट्यूब पे देखो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो, अगर आप इसे फेसबुक पे देखो तो पेज को फॉलो जरूर करियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो भाई। जय हिंद।